हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल, जय महाकाल। करते हैं आज के ब्लॉग वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आज हम जा रहे हैं हापुड़ के राजा गणपति बाबा मौर्य की आरती में, और चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हापुड़ में आरती कहां पर होती है और कैसे होती है, कितना उत्साह है। मेरे ख्याल से मुझे मेरे वहां से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी पॉजिटिविटी के साथ वहां पर। चलता हूं और आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये है फिरगंज रोड का एंड रेलवे रोड, और यहाँ पे मोनू वेज गिलबिया रोड पैलेस भी, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे ऐसे चलना है रेलवे रोड की तरफ को, फिर मुड़ जाना है। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे द्वार है, यहाँ पे एंटर होना है, इसको कलेक्टरगंज बोलते हैं ये जगह। और यहाँ पे ये गिफ्ट सेंटर भी है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर और कराते हैं दर्शन। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, बहुत सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये है एग्जिट गेट, ये है मंदिर का मुख्य गेट, उसको अंदर है विराजमान प्रभु। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ही आगे डेकोरेशन है, आप सामने दर्शन कर लीजिए। आप यहाँ पर आरती 8 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 8:30 बजे और 9:30 बजे यहाँ पर ये आरती होती है। और मैं 8:30 बजे वाली आरती में पहुँच रहा हूँ। अब बस प्लानिंग चल रही है और कुछ देर बाद आरती आरंभ होगी। इतना आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए, कि हापुड़ की और भी आसपास की वीडियो आपको मेरे चैनल मिलती रहेगी। और बृहस्पतिवार 28 सितंबर को शाम 6:30 बजे गणपति बाबा मौर्य की विदाई है, तो विदाई में भी कोशिश करेंगे आने सबको। तो बताना दोस्तों कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कैसी, डेकोरेशन है, कमेंट करके जरूर बताना। अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि 10 से 12 मिनट में अब जो आरती आरंभ हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इन भैया ने अपने फ़ोन में मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो लाइक की और बेल आइकन ऑन करी। दोस्तों आप भी अपने जानकारों के सबके फ़ोन में और अपने फ़ोन में जरूर ये काम जरूर करें। आरती से पहले देख सकते हो आप भक्तों में कितना उत्साह है। A few moments later. A few moments later. A
few moments later. दोस्तों फाइनली आरती संपन्न हो गई है और बहुत ही पॉजिटिविटी थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। मंदिर में इतनी पॉजिटिविटी थी कि मेरे रोम पे खड़े हो गए थे एक बार तो। मंदिर में भीड़ हो जाती इसलिए यहाँ पर भैया आरती दे रहे हैं और मोती चूर के लड्डू यहाँ पर बट रहे हैं प्रसाद के रूप में। जय हो दोस्तों, फाइनली प्रसाद मिल चुका है। तो दोस्तों बताना आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ ये मेरे समय पेज या फॉलो करते हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।